ये गुरु जी बताएं 2021 का जो ये वर्ष है दीप के समय महान कई खगोलीय घटनाओं को इंगित कर रहा है और विशेष करके 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के बीच की जो खगोलीय स्थितियां और ग्रहों की दशाएं हैं वो भारत या पूरे विश्व में अपना एक विशेष असर डालेंगे, जिसमें से 16 नवंबर को जो खगोलीय स्थिति बदल रही है कि सूर्य जो है वो वृष राशि में जा रहा है, साथ में 15 दिसंबर को ग्रहण लग रहा है, 19 नवंबर को एक ग्रहण लगेगा चंद्र का जिसमें 11:34 से लेकर के दिन में 5:33 तक रहेगा। ऐसे में भारत में दिखाई तो नहीं देगा, इसमें सूतक का भी असर नहीं होगा। साथ में दिसंबर में 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा जो दिखाई न देने के कारण सूतक का असर तो यद्यपि नहीं होगा, किंतु 21 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में जो बुध मंगल और राहु की गति है जिसके कारण की खगोलीय परिस्थितियां और ग्रहों के प्रभाव से भारत और अन्य देशों में आगजनी और हिंसक वारदात होने की संभावना है। ऐसे में हम सभी को 2021 के इस बीतता हुआ जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है खगोलीय परिस्थितियों के कारण। ग्रह अपने प्रतिफल दिखाएंगे, मंगल क्रूर ग्रह है जो अपना फल हिंसा के रूप में दिखा सकता है, इसलिए हमें सब जागरूक रहना है और इस 2021 से सावधान रहना है।